जॉन इब्राहिम को मिलने जा रहा है अभिषेक बच्चन से भी बड़ा दीवाना। आर्टिकल 377 क्रेजी एक स्टार बनने जा रहा है जॉन अभिषेक की जोड़ी के लिए खतरा, क्योंकि ये स्टार ना तो करीना के साथ बनाना चाहता है अपनी जोड़ी और ना ही इसे बोल्ड सीन्स करने के लिए चाहिए प्रियंका चोपड़ा का साथ। उसे ना तो चाहत है कैटरीना कैफ के साथ स्क्रीन शेयर करने की और ना ही वो है दीपिका का दीवाना। बल्कि जिस सेलेब की बात हम कर रहे हैं, वो जिसके साथ एक बोल्ड सीन करने की डिजायर रखता है, उसका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं जॉन इब्राहिम बोलना चाहूंगा। अब जॉन के साथ अपना अब तक का सबसे हॉट सीन करने की जरा राम कपूर की ये दलील भी सुन लीजिए कि आखिर जॉन के साथ क्यों बनाना चाहते हैं वो दोस्ताना। आर्टिकल 377 पता तेरे को? It is legal now in this country. तो तू लड़कों के नाम क्यों नहीं पूछ रहा? मैं जॉन इब्राहिम बोलना चाहूंगा। दरअसल बात हो रही थी राम कपूर के इंटिमेट सीन्स की। टेलीविजन पर राम कपूर अपने इंटिमेट सीन्स की वजह से काफी सुर्खियां बना चुके हैं, इसीलिए जब अपनी फिल्म मेरे डैड की मारुति के प्रमोशंस के सिलसिले में जूम के ऑफिस पहुंचे राम, तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर उनके इंटिमेट सीन्स का इतना हाइप क्यों होता है। इसके दो रीजन है, एक सीरियस आंसर दे सकता हूँ, एक फनी आंसर दे सकता हूँ। पहले कौन सा चाहिए? पहले सीरियस वाला लेते हैं। सीरियस आंसर, सीरियस वाला ये है कि मैं पहला इंसान हूँ जिसने टीवी में वो सब किया है। ओके, सो दैट इज व्हाई नॉवेल्टी हो जाती है। अब फनी रीजन बताओ, कभी मोटे आदमी को किस करते हुए देखा तूने? नहीं देखा ना? पहली बार देखने को मिला ना, इसलिए तो नेशन बोल रहा है क्यों हो गया। ये तो बात हुई उनके छोटे पर्दे पर इंटिमेसी वाले बड़े कारनामों की, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि अगर उन्हें फिल्मों में चांस मिलेगा इंटिमेट सीन्स करने का, तो वो किस एक्ट्रेस को चुनेंगे? फिल्मों में किसी अभिनेत्री के साथ ये चीज करनी हो, जिस तरह का कोई सीन परफॉर्मेंस देनी हो, तो कौन सी अभिनेत्री होंगी, कौन सी एक्ट्रेस आपको बहुत अच्छी लगती है? राम कपूर को तो सब अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन राम कपूर की हीरोइन कौन है जी? वो राम कपूर को बड़ी अच्छी लगती है। नहीं नहीं, पर ये सवाल का जवाब, वाइफ भी तो हीरोइन है। नहीं नहीं, वाइफ के अलावा, वाइफ के अलावा ये नहीं, ऐसा आप अपने डैड को इस तरह से सजेस्ट नहीं कर सकते। वाइफ के अलावा बोल रहा है, वो मेरी मर्जी है यार। नहीं, फिर भी कोई अगर नाम हो, कोई करीना कटरीना कोई भी। भाई लड़की, लड़का क्यों नहीं? क्यों, तू क्या समझता है? तू डेढ़ है कि मैं ढाई हूँ? आर्टिकल 377 पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज लीगल नाउ इन दिस कंट्री। तो तू लड़कों के नाम क्यों नहीं पूछ? बिल्कुल लड़की मैं जॉन इब्राहिम बोलना चाहूंगा, आप बोल। दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग, जॉन विल बी वेरी हैप्पी। जॉन दोस्ताना 2, दोस्ताना 3 शायद राम और जॉन के साथ बन जाए। मजाक मजाक में बात दोस्ताना 2 एंड दोस्ताना 3 तक पहुंच गई, और शायद यहां खुद राम कपूर भी ये रियलाइज कर चुके थे कि उनका मजाक थोड़ा आगे पहुंच गया है, इसलिए उन्होंने खुद को शरीफ बताकर ले लिया यू टर्न। यार ऐसा सोचता नहीं हूँ मैं, चाहे कोई भी अभिनेत्री हो उसके साथ काम करने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन जैसे सवाल आप पूछ रहे हैं वैसा नहीं सोचता, मैं बहुत शरीफ हूँ। Well, शराफत तो राम कपूर की बातों से यहाँ टपक ही रही है। अब देखिए ज्ञान इस डिस्कशन में कैसे हुआ ओवरफ्लो। बात शुरू हुई कैरेक्टर रोल्स की, और कैरेक्टर रोल्स ना करने वाले एक्टर्स का राम ने बजा दिया ढोल। To all those people who don't do character roles because they think they are the Salman kind of TV, I'd like to publicly say they're idiots, which is why their career is not gone as far as it should have. So wake up, उल्लू दे पटो। अब जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने कंपटीटर्स की बैंड बजाने का दम रखता है, उसमें एटीट्यूड कितना होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि छोटे पर्दे के बड़े स्टार राम अभी से बना रहे हैं बिग स्क्रीन की सक्सेस के बाद मीडिया से दूर रहने का प्लान। वो जब प्रमोशन करने पड़ते हैं तभी आऊंगा, नहीं तो मैं मीडिया से दूर ही रहूंगा। नहीं नहीं, मेरे सारे जो हीरोज हैं जिनको मैं देखता हूँ, वो मीडिया से हमेशा सारी जिंदगी दूर रहे हैं, मैं भी रहूंगा। Well, राम कपूर बिग बी की बात कर रहे हैं या फिर किसी और की, ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि काफी होमवर्क करके राम कपूर अपने सेकंड इनिंग्स में बड़े पर्दे पर कर रहे हैं एक बड़ी शुरुआत, जिसमें अगर किसी बड़े स्टार का नाम आएगा तो बस यही समझ लीजिए कि राम को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं जॉन इब्राहिम बोलना चाहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।